माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन फ्राइड राइस। इसके लिए मैंने लिया है चाउमीन को, मैंने चाउ को पहले बॉईल कर लिया है। राइस को भी मैंने यहाँ पे बना के रखा है पहले से। इसके लिए मैंने 4 एग लिया है, चिकन, प्रॉन, थोड़ा सा अदरक लहसुन जो मैंने जुलियन करके काट के रखा है, अदरक लहसुन और मिर्चा पेस्ट, नींबू, ऑनियन, गाजर, कैप्सिकम, बंदा गोभी, कॉर्नफ्लावर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, डार्क सोया सॉस, नमक और ऑयल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैं पहले इसको मैरिनेट कर लेती हूँ चिकन को। नींबू का रस इसमें दे दीजिए और थोड़ा सा ब्राउन में दे दीजिए। और उसके बाद डार्क सोया सॉस, ब्लैक पेपर, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उनको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको अब कुछ देर के लिए मैं रख दूंगी, 10 मिनट के लिए। आप चाहे तो इसको आधे घंटे के लिए भी मिक्स करके रख सकते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, अब इसमें मैं ऑयल दे दूंगी। 2 से 3 चम्मच ऑयल दे दीजिए इसमें। अब 1 मिनट नमक दीजिए थोड़ा सा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मैसेज मैं दे सकूँ। क्रम्बल हो गया है, अब मैं इसको काट लूँ। इसमें मैं और ऑयल दे दूँगी अभी।
हूँ लहसुन जो मैंने काट के रखा है। थोड़ी देर के लिए उसको फ्राई कीजिए। और चिकन में मैंने कॉर्न फ्लोर ऐड करनी है, थोड़ा सा कॉर्न में। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। मिक्स कर लीजिए प्रॉन को भी। अब चिकन को आप इसमें ले लीजिए। मैं इसको ढक दे रही हूँ। ढक्कन हटा देती हूँ। चिकन फ्राई हो गया है। इसे अब इसको फ्राई कर देंगे। इसी में प्रॉन ले लूँगी। अब मैं इस चाप को निकाल लूँगी पानी से। पानी को अब इसमें मैं ऑनियन दे रही हूँ। गाजर और ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर
इसमें मैं एक चिकन और पॉर्न को दे रही हूँ। अब मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें चाउमीन भी ऐड कर दे रही हूँ। अच्छे से इसको मिला लीजिए। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए क्योंकि चावल और चाउमीन दिया हुआ है, इसलिए। देखिए खाने कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी उतना ही अच्छा है। आप लोग इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप इसमें और भी सब्जी जैसे बीन्स और स्प्रिंग ऑनियन दे सकते हैं, दे सकते हैं, इसमें अच्छा लगेगा खाने में। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आए। कमेंट कीजिएगा जरूर आपको ये वीडियो कैसी लगी है। रेडी हो गया है, आप देख ही सकते हैं। तो यह है, अब मैं इसको सर्व करके दिखा रही हूँ। रेडी हो गया है, आप देख ही सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा। आपके इस सपोर्ट से मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में अगर नया है तो चैनल को देख रहे हैं तो। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।